आज एक पिक्चर का गाना है कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। तीन ये कर लो पहले। ये सावन के महीने में मटन कौन खाता है भाई? क्या बोला तूने? एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है, तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया। दूसरा आदमी घूम घूम के देश भर में कहता है कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। जा रहे खाने पीने में चले गए बताइए। नहीं नहीं नहीं, और साफ साफ बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। सर कोई मुद्दा नहीं रहेगा, खाने पीने में चले गए, कौन क्या खा रहा है बताइए। मैं आ रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मैं इसलिए हिंदू हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, भगवान शिव मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं मटन मत खाओ। वैसे कोई बीजेपी का नेता सावन में मटन नहीं खाता है। समझ रहे हो ना? गारंटी दे रहे हैं सावन में बीजेपी का कोई नेता मटन नहीं खाता है, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता है, आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता है जो मैं गारंटी दूं? मैं तो उन तथाकथित हिंदू, मैं हिंदुओं की बात करता हूं। चलिए आपसे चलिए मैं हिंदू पे सवाल पूछता हूं, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में जितने हिंदू नेता है वो सावन में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ परवर्टेड हिंदू खाते हैं, तो परवर्टेड हिंदू कौन है ये तो मैंने साबित कर दिया ना। अब उस पे बस कर, रुलाएगा क्या? क्या मैं कह रहा हूँ कि ये आस्था का मुद्दा है और ऐसे ऐसे हिंदुओं को जिसको आशुतोष परवर्टेड हिंदू कहते हैं एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा वो क्या, नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? अजय आलोक, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में, केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकारों में, सांसदों में, विधायकों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? आप गारंटी देते हैं इस बात की? यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। माना बीजेपी के, मुझे लगता है कि अजय अजय आलोक से पूछे कि अटल जो अपने आप को बिहारी वाजपेयी को हिंदू कहते हैं और गर्व से कहते हैं। एक मिनट आशुतोष जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपकी क्या राय है? सावन के महीने में लानत है तुम लोग के, लानत। बेचैन ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के वो तमाम नेता जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, खोपड़ी तोड़ घमंडी अलायंस क्यों कहते हैं? देखिए, इंडी अलायंस, और ये इंडी न सिर्फ घमंडी है बल्कि पाखंडी भी है, क्योंकि ये इतना पाखंड करते हैं, ये इतना पाखंड करते हैं कि इनको खुद ही नहीं पता कि एक दूसरे से पाखंड कौन कर रहा है। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? सबसे पहली बात, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा कि इन्हें घमंडी बोलिए, गलत नहीं कहा है, एक लाइन और जोड़ते हुए पाखंडी भी है, ये दोष मुक्त नहीं किया है, कन्विक्टेड है राहुल गांधी, अभी भी कन्विक्टेड है, मुकदमा चलेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और फैसला आने पे कुछ भी हो सकता है, और यही मुकदमा नहीं है, 12 और मुकदमे पूरे देश में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आलोक क्या कह रहे हैं, लेके महाराष्ट्र तक क्या कह रहे हैं? इन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की, मुझे बोला आलोक आप मटन खाते हैं नहीं खाते? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं नहीं खाते हैं? आलोक मैं बिल्कुल खाता हूँ, लेकिन सावन में नहीं खाऊंगा। सावन में आप नहीं खाते और बाकी सारे बीजेपी नेता भी नहीं खाते? No. मैंने बोला कि बीजेपी में सिर्फ हिंदू नेता नहीं है, हर धर्म के नेता, पर हिंदू नेता आप क्या खाता है? बीजेपी का नेता, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बोलना बुढ़े, बोलती की बंद हो गई। एक मिनट, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं उन तथाकथित हिंदुओं को कहता हूँ जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण शिव भक्त कहते हैं, किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा आशु, 1 सेकंड, आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं पहले, क्योंकि राहुल गांधी पर आरोप लगाया है अजय आलोक ने, क्या जरूरत थी आलोक जी बताइए सावन में मटन खाने की? जितने पैनलिस्ट हैं सबके तो ब्रैकेट में जाते हैं, पहले वो खाते हैं कि नहीं, और ये बीच में ना वो वेज है और कौन नॉन वेज है, और वेज को ऊपर बैठाया करें, नॉन वेज को नीचे बैठाया करें, और सामान में नॉन वेज को आप टीवी पे नहीं बैठाएंगे। क्या बहस कर रहे हैं आज आलोक भाई हमारे, आशुतोष ये मतलब क्या, कहां पहुंच गए आप लोग, कौन कब क्या कर रहा है? सही बात है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अजय आलोक जी को मैं माफ करता हूँ, क्यों माफ करता हूं? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना हिंदुत्व तो साबित करना है, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं, इसलिए इस तरीके की बातें पर कहेंगे। गजब बेइज्जती है, गजब, तो इनको माफ कर दीजिए, गजब बोला है ना, और बहुत गजब बोला है, बहुत मेहनत की तब जाके जनता भारतीय जनता पार्टी गजब बोले। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब निकाले गए थे तो कई महीनों इंतजार करना पड़ा था, तब जाके इनकी, खैर छोड़िए, अब ये आशुतोष जी, दूसरा सवाल क्या है? आशुतोष गुप्ता मुझे सिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। मालक जी, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात क्या है? मेरी मेहनत मुझे बता रहे हैं, इंटरेस्ट, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। इंटरेस्टिंग डिबेट क्या थी, जिस डिबेट में अजय आलोक जी ने मान लिया था
कि सावरकर जो है वो असली हिंदू नहीं है, इन्होंने डिसोन कर दिया था सावरकर को। अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ जी आलोक को कि मैं जनता दल यूनाइटेड में नहीं भाजपा में हूं, मुझे सावरकर को ओन करना है, तब इन्होंने मेरे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। तो अजय आलोक जी को माफ कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, बीजेपी में अपने को स्थापित कर रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, नंगा करके नहला रहा है, हिंदू की परीक्षा भी इन्होंने दी नहीं है, अब असली हिंदू की परीक्षा में पास हो जाएंगे तब बीजेपी इनको असली हिंदू मान लेगी। ऐसे परवर्तित हिंदू के कारण हिंदू समाज का ये हाल हुआ है और देश का ये हाल हुआ है जो फैलाते हैं। आप कुछ नहीं है, आप ना गुप्ता रहे ना पत्रकार रहे, धर्म परिवर्तन करवा लीजिए आशुतोष जी, क्रिश्चियन बन जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पूरा विश्व आपका रहेगा। फिर झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूं। अजय जी हम आपको पढ़ा लिखा मानते हैं, तरीके से मुझे टोक कर आदमी अपनी जाहिलियत साबित करे, अलग तरीके पर्सनल मत करिए, चलिए मुद्दे पे आइए। अब वो बार बार पर्सनल हो रहे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना फिर। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या अजय आलोक जी की परवरिश कहां हुई है, फिर मुझे बताना पड़ेगा ना। अरे छोड़ दीजिए आशुनी प्लीज, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि दूसरों के सामने नहीं बोलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं प्लीज चलिए, पता नहीं मैं अजय आलोक जी के माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, चरण स्पर्श करूंगा उनके, ये परवरिश का प्रश्न। खैर छोड़िए, let me up with a price, my love now. Put me in the car, so won't get lost now. To the moonlight, I